कोहिनूर से दिलचस्प इस हीरे की कहानी। रीजेंट डायमंड जितना सुंदर है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। आंध्र प्रदेश की खदान में एक मजदूर को मिला यह हीरा नेपोलियन बोनापार्ट के ताज तक पहुंचा। आपसे अगर कोई कभी किसी मशहूर हीरे का नाम पूछे तो जबान से कोहिनूर ही निकलेगा, लाजमी है। शुरू से इसके ही बारे में सुनते जो आ रहे हैं हम। अंग्रेजों के पास हमारा कोहिनूर है, कई बार तो इसे वापस भारत लाने की मांग भी उठी। कहा गया कि ब्रिटेन को इसे भारत को लौटा देना चाहिए। कोहिनूर से जुड़ी कई कहानियां हैं और उन्हीं के बीच एक सवाल भी, अगर भारत सोने की चिड़िया था तो यहाँ से कई और नायाब चीज़ें भी निकली होंगी। बस एक कोहिनूर ही तो नहीं हो सकता जिसे हिंदुस्तान की शान के तौर पर याद किया जाए। तो इस सवाल का जो जवाब है वो बेहद दिलचस्प है। इसका जवाब है द रीजेंट डायमंड। कहानी है 1698 से 1701 के बीच की। अंग्रेज भारत आ चुके थे और धीरे धीरे इस मुल्क को गुलामी की जंजीरों में बांधना शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खदान में खुदाई के दौरान एक मजदूर को रीजेंट डायमंड मिला जिसका वजन था 410 कैरेट। उसने इसे अपने पास छिपा लिया। जैसे तैसे वो इसे खदान से बाहर लेकर निकला। मजदूर को इस हीरे की कीमत का अंदाजा भले ना रहा हो लेकिन मन में सौदे का लालच बेशुमार था। वो इसे लेकर खदान के पास के एक तटीय क्षेत्र में पहुंचा जहां उसकी मुलाकात हुई एक अंग्रेज से। वो जहाज का कैप्टन था। मजदूर ने उस अंग्रेज के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो उसकी देश से भागने में मदद करे तो वो हीरे को बेचकर मिले रुपयों में से आधा उसे दे देगा। मजदूर की बात मानकर अंग्रेज ने बॉम्बे जा रहे अपने जहाज में उसे जगह दे दी। लेकिन हीरे का लालच ऐसा कि उस अंग्रेज ने मजदूर को बीच रास्ते में ही मौत के घाट उतार दिया और हीरा अपने कब्जे में ले लिया। जहाज बॉम्बे पहुंचा तो अंग्रेज की मुलाकात हुई जामचंद नाम के एक हीरा व्यापारी से। जामचंद और अंग्रेज के बीच सौदा 1000 यूरो में तय हुआ। कप्तान ने हीरे बेचकर पैसे तो ले लिए थे लेकिन अपने हाथों मजदूर की ली गई जान उसे हर रोज बेचैन करने लगी थी। पश्चाताप की आग में जल रहे उस अंग्रेज ने एक दिन फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उधर 1702 में जामचंद ने यह हीरा मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर थॉमस पिट को बेच दिया और कीमत लगाई 20,000 यूरो। 1704 से 1706 के बीच थॉमस पिट ने इस हीरे को तराशने की खातिर लंदन भेजा। यहाँ हैरिस नाम के डायमंड कटर ने इसे 2 साल तक तराशा और बदले में 5,000 यूरो की रकम ली। ये हीरा कितना कीमती था इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तराशने के दौरान हीरे के जो छोटे टुकड़े हुए उसे रूस के राजा पीटर द ग्रेट ने 7,000 यूरो में खरीद लिया। तराशे जाने के साथ ही रीजेंट डायमंड अब और नायाब हो चला था। हालांकि इसमें की गई कारीगरी के बाद इसका वजन 28.123 ग्राम हो गया। तराशे गए इस नायाब हीरे को नाम मिला पिट डायमंड और ये इतिहास के बेहद खूबसूरत हीरों में शुमार किया गया। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा डी कलर और दूसरा सबसे बड़ा कुशन के आकार का डी कलर डायमंड बना। 1709 में जब थॉमस पिट इंग्लैंड आए तो उन्होंने इस नायाब हीरे के लिए खरीदार तलाशना शुरू किया। सन 1717 में फ्रांस के राजा प्रतिनिधि रहे ऑर्लिंग के ड्यूक फिलिप द्वितीय ने इसे 1,35,000 यूरो में खरीदा। 1715 में किंग लुई 14 की मौत के बाद उन्हें राज प्रतिनिधि का पद मिला। उनके इस हीरे को खरीदने के बाद ही इसका नाम पड़ा द रीजेंट डायमंड। आगे चलकर रीजेंट डायमंड राजाओं के मुकुट में भी जड़ गया। इस हीरे का इस्तेमाल फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट की हैट को सजाने में भी किया गया। राजाओं के सिर की शोभा बढ़ाने वाला ये रीजेंट डायमंड चोरी भी हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के कई ताज चोरी किए गए। 1792 में पेरिस की रॉयल ट्रेजरी से सैंसी होप डायमंड के साथ साथ रीजेंट डायमंड भी चोरी कर लिया गया। जब इसकी तलाश जारी हुई तो कुछ बेशकीमती चीज़ें तो बरामद हुई लेकिन रीजेंट डायमंड नहीं मिला। कुछ वक्त बाद ये पेरिस में एक कमरे की छत में बने एक होल के अंदर मिला। रीजेंट डायमंड यहाँ कैसे पहुँचा ये आज तक रहस्य ही है। कई बड़े लोगों के पास से होता हुआ ये हीरा 1801 में फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के पास पहुँचा। नेपोलियन ने 1804 में अपने राजतिलक के समय इसे अपनी तलवार की मूठ में जड़वा कर हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। लेकिन नेपोलियन की हार के साथ ही उनकी दूसरी पत्नी मैरी लुइस इसे लेकर ऑस्ट्रिया चली गईं। हालांकि बाद में मैरी के पिता और ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस ने रीजेंट डायमंड को वापस फ्रांस को सौंप दिया। फ्रांस पहुंचकर इस हीरे का इस्तेमाल फिर से ताज की शोभा बढ़ाने में किया गया। इस हीरे को लुई 18वें, चार्ल्स एक्स और नेपोलियन 3rd के मुकुट में लगाया गया और अंत में यह हीरा जड़ा गया नेपोलियन 3rd की पत्नी
यूजनी के ताज में। वक्त गुजरने के साथ रीजेंट डायमंड का सफर और आगे बढ़ा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस हीरे को सेंट्रल फ्रांस के गांव के एक किले में छिपा दिया गया। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रीजेंट डायमंड को एक ठौर मिला। इसे लूव्र म्यूजियम के हवाले कर दिया गया। आज भी इसे पेरिस स्थित लूव्र म्यूजियम की अपोलो गैलरी में देखा जा सकता है। इसे यहाँ प्रदर्शनी के लिए रखा गया है।